दो, जवाब दो, जवाब दो। पीएचडी छात्रों का आवंटन क्यों नहीं, कुलपति जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, छात्रावास अधीक्षक इरशाद अहमद को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इरशाद अहमद तुमको जाना होगा, इरशाद अहमद तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदा, देखी क्यों कुलपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तुमको देना होगा, देना होगा, देना। इंकलाब जिंदा पाँच टन नदवी छात्रावास में कर दिया। और जो पीएचडी के छात्र थे, जो बहुत जेन्युइन छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय के, उनका आवंटन इरशाद अहमद ने नहीं किया। और उनको लगातार मानसिक तौर पर इरशाद अहमद ने टॉर्चर किया कि हम तुम पर हथौड़ा चलाएंगे इस बार। तो ये जो इरशाद अहमद की करतूत है, DSW के पास हम लोग गए थे, हम लोगों ने DSW को कहा कि इरशाद अहमद PhD के छात्रों को, PG के छात्रों का आवंटन अभी होना ही है, UG के छात्रों का ये आवंटन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप इस बात को समझिए, यूजी के छात्रों का ये आवंटन आते हैं। और जो जानकारी है, जो बहुत पुख्ता जानकारी है, कि उस कोचिंग में जो यूजी के छात्र हैं, जो केमिस्ट्री यहाँ लेकर के आवंटन किए हैं, वो उनके कोचिंग में जाएं और कोचिंग में मोटी रकम वो छात्रों से वसूलें। तो प्राइवेट एजुकेशन देने का भी धंधा उन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये जो पूरा आवंटन का प्रक्रिया है, इसमें लार्ज स्केल पर धांधली हुई है, इसलिए इसको रद्द किया जाए, नए सिरे से आवंटन किया जाए, पीजी और पीएचडी के छात्रों को वरीयता दी जाए। और अगर सीट बचती है तो यूजी के छात्रों को भी नदवी छात्रावास में आवंटन किया जाए। इस मांग के साथ आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, शताब्दी समारोह है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ छात्रों का जो ये जेन्युइन डिमांड है, हम महामहिम राज्यपाल से भी ये अनुरोध करते हैं कि छात्रों के इस जेन्युइन डिमांड को वो भी संज्ञान में लाए लें और इसको हल करें। मुक्त बिहार राज्य अध्यक्ष आईसा।